नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आज के इस नए प्लान के साथ। आज का जो 3D फ्लोर प्लान बनाया गया है आपका, वो है आपका 13x30 में बना हुआ 1BHK हाउस प्लान। कुछ इस प्रकार से इसका फ्रंट एलिवेशन रहेगा। आप देख पा रहे होंगे इसका डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। ये आपका फ्रंट एलिवेशन का डिज़ाइन है। और टॉप व्यू से हम देखेंगे तो आप पे रूप पे भी कुछ गार्डनिंग के पर्पज़ से प्लांटेशन किया गया है। जो आप देख पा रहे होंगे ये पूरा सेक्शन रूप का रहेगा और वहाँ पर एक रूम भी बनाया गया है इमरजेंसी के लिए। और आपका पूरे रूप पे गार्डनिंग की गई, साथ में एक स्टेयर का सेक्शन भी दिया गया है। वहाँ पर आपका एक झूला भी प्लेस किया गया है। ओके, यहाँ पर आपका डिजाइनिंग के पर्पज़ से कुछ शेड प्रोवाइड किए गए हैं और कुछ गार्डनिंग है। सामने आप देखेंगे तो आपको एक पूरा लेंथ वाइज एक विंडो मिल जाएगा जो कि दोनों फ्लोर पे ओपन होगा। और इसका जो स्पेस आपका 13x30 का है, 13 फीट की आपकी चौड़ाई का सेक्शन है। और लंबाई की बात करें आपका, ये लेंथ वाइज जो सेक्शन रहेगा ये आपका रहेगा 30 फीट का सेक्शन। ओके, चलिए सबसे पहले इसमें बात करते हैं। तो उसमें मैं आपको बता दूँ कि इसको दो पर्पज़ से डिजाइन किया गया है। एक जो सबसे नीचे का फ्लोर है आपका ग्राउंड फ्लोर, उसको रेजिडेंशियल पर्पज़ से ना देकर उसको जो है कमर्शियल पर्पज़ से दिया गया है, आपका कमर्शियल पर्पज़ से यूज़ करने के लिए। चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ वो वाला आपका एरिया पूरा। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये आपका सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर का प्लान रहेगा। ये आपका एंट्रेंस जो है आपका ईस्ट फेस में डिजाइन किया गया है। आगे कुछ प्लांटेशन और आपका स्टेयर का सेक्शन दिया गया है। बेस से जो ग्राउंड लेवल है वहाँ से कुछ 2 या 3 फीट ऊपर उठाकर इस प्लान को डिजाइन किया गया है। यहाँ से गेट से हम एंट्री करेंगे तो एंट्रेंस के बाद आपको पूरा एक ओपन स्पेस मिलेगा। ये वाला ये ओपन स्पेस कमर्शियल पर्पज़ से रखा गया है। अगर आप चाहें तो उसमें भी आप अपने अनुसार डिजाइन बना सकते हैं, या फिर ऊपर का जो डिज़ाइन बनाया गया है फर्स्ट फ्लोर का उसके अनुसार इसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेयर का सेक्शन है लेफ्ट साइड में, सीधे स्टेयर दिए गए हैं, कोई एल साइड या यू साइड स्टेयर नहीं दिया गया है। ओके, अब हम चलेंगे इसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये आपका फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। ओके, जिसमें ये आपका स्टेयर का सेक्शन था जो कि ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की तरफ ओपन हुआ था, यहाँ पर ओपन होगा। वहीं से आपका दूसरे यानी थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर के लिए स्टेयर का सेक्शन दिया गया है। चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें आपका फ्रंट पे एक ड्राइंग रूम का सेक्शन रहेगा। ये वाला सेक्शन आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा ड्राइंग रूम का सेक्शन है। इंटीरियर देखिए इसको किस प्रकार से बहुत ही अच्छा और शानदार तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। पूरा इंटीरियर का सेक्शन, यहाँ पर वॉल पेंटिंग्स, एक विंडो, यहाँ पर दीवार पर एक घड़ी भी माउंटेड किया गया है, सोफे। और इसका जो स्पेस है टोटल स्पेस 13x12 का, सॉरी आपका 13x10 का ये स्पेस रहेगा आपका ड्राइंग रूम या लिविंग के सेक्शन का। ओके, तो अभी से कुछ इस प्रकार देखेगा। इसके बाद चलेंगे हम आगे की तरफ। तो आपको राइट में लेफ्ट में स्टेयर का सेक्शन मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा एक अटैच लेट बाथ का सेक्शन। ये आपका अटैच लेट बाथ का सेक्शन 5x5 के सेक्शन में डिजाइन किया गया है। ओके, और स्टेयर के साइड में ही आप एक वेंटिलेशन शाफ्ट भी दे सकते हैं जो किचन और आपका अटैच लेट बाथ के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन का काम करेगा। उसके बाद हम चलेंगे आगे की तरफ। तो ये सेक्शन आपको मिल जाएगा किचन का। किचन का जो स्पेस है 7x6 के सेक्शन में फुल्ली फर्निश किचन का एरिया डिजाइन किया गया है। ओके, ये किचन का स्पेस है। किचन के स्पेस से बाहर चलेंगे तो सबसे लास्ट में आपको एक मिल जाएगा सिंगल बेडरूम, जो क्योंकि 1BHK है, स्पेस के अनुसार इसमें एक बेडरूम ही डिजाइन किया गया है। ये आपका बेडरूम का डिजाइन रहेगा। इंटीरियर कुछ इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है, देख रहे होंगे आप। ओके, और इसका जो स्पेस है 13x12 का आपका ड्राइंग रूम, आपका बेडरूम का स्पेस हो जाएगा। एक बार टॉप व्यू से देख लेंगे इसको। तो टॉप व्यू से कुछ इस प्रकार आपका प्लान था। लास्ट में बेडरूम, किचन का सेक्शन, अटैच लेट बाथ, राइट लेफ्ट में आपका स्टेयर का, और फ्रंट में आपका रहेगा लिविंग सेक्शन या फिर वेटिंग एरिया या ड्राइंग रूम का एरिया। ओके ओके फ्रेंड्स, तो आपका यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्लान मैंने आपको बता दिया है। कुछ फ्रंट एलिवेशन कुछ इस प्रकार था। ओके, और इसको आप कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों पर्पज़ से यूज कर सकते हैं। रूप पर कुछ प्लांटेशन था जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो ये आपका प्लान होता है। और इसका जो अप्रॉक्स बिल्डिंग कॉस्ट रहेगा पूरे प्लान का, जो पूरा प्लान आप देख रहे हैं, वो आपका रहेगा लगभग 12 से 13 लाख रुपए, जो कि आपके लोकेशन के अनुसार कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, तो ऐसा और कोई प्लान आप बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही इसी प्लान के अनुसार कोई चेंजेस चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।